संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है और नाम दिया गया है ग्रामीण भारत बंद। लेकिन शामली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्थिति जैसी की तैसी है, जो पहले से सुचारू रूप से चल रही थी वो ऐसी ही चल रही है। फिर भी यहां शामली जनपद में कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं और मुद्दे वही हैं, MSP को लेकर के किसानों की जो बात है उसको लेकर के पंजाब हरियाणा सब जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। कल वार्ता हुई थी, लगभग 6 घंटे वार्ता चली, लेकिन वो वार्ता विफल रही, जिसको लेकर के रविवार का समय रखा गया है। लेकिन उससे पहले किसान लगातार धरने पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शामली जनपद में बहुत से किसान बैठे हुए हैं। शामली मुजफ्फरनगर मार्ग है, तहसील के सामने ये लोग धरने पर बैठे हैं। बात की जाएगी इनसे, जो इनकी उचित मांगे हैं, क्या सरकार वो मांगे पूरे करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो कुछ व्यक्ति है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, जो आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, कारण क्या है? कारण किसान परेशान है, और जो इतना लंबा धरना चला था, पहले 13 महीने तक धरना चला, उसमें सरकार ने जो जो भी हमें आश्वासन देकर वहाँ से उठाया था, किसी भी एक भी बात पे मतलब आज तक कोई अमल नहीं करा। क्या क्या आश्वासन थे वो? आश्वासन थे MSP का गारंटी कानून, सबसे मुख्य मांग हमारी ये थी। किसने कहा था कि आपको MSP की गारंटी दी जाएगी? कमेटी कहे थे उसमें गठित होगी। कमेटी ने तो ऐसा जवाब नहीं दिया था? नहीं, बिल्कुल कहा था, उन्होंने कहा था कमेटी गठित होगी, और कमेटी भी उन्हीं जो वहाँ पे हमारा जो किसानों के जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के दल थे, उन्हीं के आदमी कमेटी में आने थे। लेकिन उसमें भी उन्होंने पता चला, सरकार ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के, कैसे कैसे कौन कौन से संगठन खड़े करके, वो अपने हिसाब से फर्जीवाड़ा कर रहे, वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए किसानों में रोष है। ये मांग हमारी मुख्य है, मुख्य मांग हमारी ये भी है कि जो पंजाब से किसान आ रहे हैं उनको परेशान कराया जा रहा है, ये भी मांग हमारी बहुत मुख्य है। अच्छा, मांग जो आप बता रहे हैं MSP है, और क्या क्या मांगे हैं? MSP की है, आवारा छुट्टा जो पशु हैं उनसे किसान बेहद ज़्यादा परेशान हैं, गन्ने का मूल्य भुगतान के लिए। क्या क्या आवारा पशु के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है, आप लोग नहीं है? छोड़ दे तो किसान ही है पशुओं को भी। हाँ, किसान इसलिए जिम्मेवार नहीं है, सरकार इसलिए जिम्मेवार है। किसान तो इसलिए जिम्मेवार नहीं है, तो किसान पहले भी पशु रखता था, पशु पहले भी पालता था। सरकार ने तो गौशाला भी चला रखी है, पशु उनमें क्यों नहीं छोड़ते किसान? ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, और गौशाला में तो किसानों का और भी ज़्यादा शोषण हो रहा। अगर मैं ये कहता हूँ दावे के साथ, हम अपने एक पशु को गौशाला में छोड़ कर आवें, उनको पैसे भी दे कर आवें, चारे की व्यवस्था भी कर कर आवें, लेकिन हम अगर 24 घंटे बाद ही जाके हमारी आत्मा जागृत हो जा, आपके हिसाब से कह रहा हूँ, हमारी आत्मा जागृत हो जा कि हमें अपना पशु वापस चाहिए, तो उस गौशाला में हमारा पशु मिलता नहीं, उसका नहीं पता लगता वो जा कहाँ। अच्छा अच्छा, चलो और भी किसान है, बात कर लेते हैं, इधर भी बैठे हैं कुछ किसान, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अब्बास प्रमुख है। अब्बास जी, बताइए, जैसा किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो कोई बता रहा है कि भाई पशुओं की समस्या है, कोई बता रहा है MSP की समस्या है, क्या किसान ये समस्या को लेकर के ये अपना जीवन व्यतीत करेगा, या कुछ और भी हिला है या नहीं है? जिस दिन अन्नदाता अन्न का जो धंधा करना बंद कर देगा, अपनी जमीन बोनी छोड़ देगा किसान की गलत नीतियों की वजह से, उस दिन पता लगेगा इस देश की जनता ने कि किसान ने और धंधा है या नहीं है। जो आज किसान के साथ हो रहा है, बिजली का भी मेरे क्षेत्र का शामली जिले की बात बता रहा मैं, 1 किलोवाट के कनेक्शन थे शर्मा जी, और 1 किलोवाट के कनेक्शन के वह ऑटोमेटिक ही 5 किलोवाट के कर दिए गए। अगर हम अधिकारी के पास जाते हैं कि भाई 1 किलोवाट का कनेक्शन था, मीटर 1 किलोवाट का लगा हुआ था, ये 5 किलोवाट का कैसे हो गया, कि हाँ कर देंगे ठीक है, और जब कराने के लिए जाते हैं तो हम मोटी रकम मांगते हैं, मोटी रकम जो नहीं देता तो करते नहीं हैं। अब जो पंजाब के किसान, अरे आप सब देख रहे, पूरा देश देख रहा, आतंकवादी तो है नहीं, हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। क्या अभी अम्बाला पुलिस ने एक वीडियो वायरल करा जिसमें सभी किसान पुलिस पर पथराव करे, 25 जवान घायल हुए। शर्मा जी, आपने एक ही चीज देखा, वो दूसरा नहीं देखा आपने, उन्होंने एक आदमी पकड़ा भी है, और वो जो आदमी पकड़ा वो पुलिस का था, जो किसान के भेष में आके पुलिस पे पथराव कर रहा था, आपने वो दिखाई नहीं दिया, आपने वो तो देख लिया कि पथराव कर रहे, पथराव करने वाले उन्हीं के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सरकार से आपकी मांगे हैं,
लेकिन आप पुलिस के साथ या पुलिस आप लोगों के साथ क्यों भीड़ जाती है, क्यों लोग नहीं आप शांति व्यवस्था बनाते हुए अपना धरना प्रदर्शन करते हैं? पुलिस वालों ने बेचारों ने नौकरी करनी है, तो भी हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, लेकिन उन्हें नौकरी करनी, सरकार के परिसर में आ गए, लाठी चार्ज करें किसान भाइयों के। कई के मैंने देखी है, अब टीवी पे देखा है कि कई लोगों की टांग टूट चुकी है किसानों की, कई आंख से नाबीना हो चुके हैं, उनकी आंख खराब होगी। ये सब सरकार की गलत नीति है, जो केंद्र में बैठी सरकार है वो किसानों का भला नहीं चाहती। किसान अपनी मांग लेके कहाँ जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कानून दिल्ली में ही बनते हैं, वे लोग दिल्ली में बैठे हैं। अगर शामली में बनते तो हम वे लोग किसान शामली में आते, लेकिन दिल्ली बन रहे तो दिल्ली जाना है उन्होंने। अब उनकी सुनने के बजाय उन पर ऊपर से लाठी चार्ज किया जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए, ना कि उन पर लाठी बजाई जाए। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत से किसान बैठे हैं, लेकिन सभी किसानों से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, हो सकता है जवाब दे भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी दे सकते हैं। तो पहले मैं अनिल जी हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। अनिल जी, MSP क्या है? न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है। नहीं, ये आप लोगों को चाहिए तो मिलेगा कैसे, क्या है ये? ये सरकार जो है न्यूनतम जो एक आधार होता है, आधार ये होता है जो खर्च वगैरह जो जमीन का व्या किराया व्या। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, सरकार के पास 100 रुपए हैं, उन 100 रुपए में से आपको कितना चाहिए, क्या MSP चाहिए आपको 100 रुपए में से? सरकार तय करती है कि न्यूनतम प्राइस जब सरकार ने तय करा, कब से तो आप लेने के लिए तैयार नहीं है? सरकार वही तो कह रहे, जो सरकार तय करती है वही हमें दे दो। सही जवाब नहीं है बाबूजी, सरकार के पास 100 रुपए है, आपको MSP चाहिए, कितनी MSP आपको चाहिए? देखो, सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून गारंटी बढ़नी चाहिए, उससे कम रेट पे खरीदार नहीं होना, क्या रेट होना चाहिए? तो अभी तक क्या रेट है MSP का? MSP का जो रेट है उस वो बहुत कम रेट है, सरकार उसका क्या रेट है? नहीं पता MSP का क्या रेट है? MSP किस चीज का पूछ रहे शर्मा जी, है तो बता। जो MSP मौजूदा चल रही है उसमें क्या रेट? 23 फसलें शामिल हैं। आप कौन सी फसल की पूछ रहे हैं मुझे, इसी की भी बता दो। आप गेहूं का ले लो, जौ का ले लो, चने का ले लो, आप ये बताओ जो सरकार बेचने के लिए बाजार में जाता है, किसान जो बेचने के लिए जाएगा सरकार से, तो सरकार किसान ये चाह रहा कि मैं अपनी फसल का मूल्य जो निर्धारित हो उससे कम ना बिके। वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो निर्धारित मूल्य क्या? आप भी तो सारो गोल मोल करके पूछ रहे ना, आप गेहूं का पूछो, गन्ने का पूछो। अब गन्ने का जो भाव आया ये MSP सरकार ने ये थोड़ा ही करा। चीनी का क्या रेट है आज, पेमेंट कहाँ गया? हरियाणा कोई पाकिस्तान में थोड़ा ही ना है, अमेरिका में थोड़ा ही ना है, हरियाणा का रेट ज्यादा क्यों है गन्ने का, यूपी का रेट? चलो मैं आगे पूछ लेता हूँ। वहाँ ये एक सज्जन बैठे हैं, थोड़ा बताना चाह रहे हैं, आप थोड़ा इधर आइए भाई, उधर से थोड़ा इधर घूमिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, MSP को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, MSP क्या है? MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो मुझे भी पता है। हाँ, हम बता देते हैं, पिछले 3 दिनों में एक नया ब्लूप्रिंट आया अखबार के अंदर, कहा 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च है सरकार का अगर MSP दे। कल दिमाग ठीक हो गया, बोले 7 लाख करोड़ घटा लो, कल आंकड़ा कर दिया 10 लाख करोड़। मेरी बात को ध्यान से समझना, किस आंदोलन की मांग में हमने ये कहा कि सारी की सारी फसल सरकार को खरीदनी होगी? क्या सरकार सारी फसल सरकार खरीदेगी? बिल्कुल नहीं। 23 फसलों की बात चल रही है, 23 फसलों की बात है, उसमें भी ध्यान रखिए 17 लाख करोड़ रुपए की देश की टोटल फसल है, सारी सरकार को नहीं खरीदनी। सरकार को जितना मन करता है उतनी सरकार खरीदे। तो 4.85 का प्राइस जो उन्होंने रखा था, जो समर्थन मूल्य की आप बात कर रहे हैं, अगर 100 रुपए में से अगर आपकी MSP मान ली गई तो लगभग 36% व्यय होगा, तो क्या ऐसे में देश चल पाएगा? अब मेरी बात को आप समझिए, इतना आसान सवाल नहीं, ये आपने बिल्कुल पिछली पंक्ति की बात कही। सवाल A2+FL और C2+50 का है। A2+FL में किसान की जमीन का किराया इंक्लूड नहीं है। मुझे उस इंडस्ट्री का नाम बताइए इस देश में, जिस इंडस्ट्री में जिस जमीन पर वो इंडस्ट्री चल रही है, क्या उसका रेंट इंक्लूड नहीं होता उसके खर्च में? इंडस्ट्री का कानून है। इस देश में जो मशीनरी इंडस्ट्री चलाने के लिए खरीदी जाती है, उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट 15% इंक्लूड होता है, इंडस्ट्री के लिए कानून है। अगर इंडस्ट्री की मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट 15% लागू होता है, तो ये मेरा ट्रैक्टर जो मैंने खरीदा है खेती करने के लिए, इसकी कीमत हर साल 15% घट रही है, इसकी कीमत मेरे खर्च में क्यों नहीं जोड़ी जा रही? यही C2+50 है, A2+FL हमें नहीं चाहिए। तो आप लोग जो समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से या समाज के हिसाब से, किसानों के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, समर्थन मूल्य सरकार तय करेगी, कमेटी तमाम खर्चों को लिखने के बाद इस पर आएगी। इसकी एक चर्चा हुई थी,
आज से 2 साल पहले। स्वामीनाथन रिपोर्ट जब इस देश में लागू होती है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि तमाम खर्च को जोड़ लीजिए। अभी तक तो कानून में लागू की ही नहीं गई है, समस्या तो यही है कि जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के आप बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं वो तो अभी तक कानून में लागू ही नहीं है। समस्या इससे भी अगली हो गई। कल सरकार ने वो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से भी हटा दी। अच्छा, सरकार क्या कहना चाहती है कि इस देश में स्वामीनाथन की सिफारिश हुई ही नहीं? स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या कहा गया? पहले खर्च का आकलन कर लीजिए। मुझे बताइए, 51 रुपए लीटर डीजल था 2014 में, आज 90 रुपए लीटर डीजल है। इस खर्च का आकलन 51 से 90 तक का जो खर्च बढ़ा। 2014 में आप कितने साल के थे? 2014 में मेरी उम्र 94 डेट ऑफ बर्थ है। अब 2024 में? हाँ जी, तो 10 साल मेरी उम्र में अंतर आ गया। तो 10 साल में भी तो आपने भाई पहले 2 रोटी खाते थे, अब 4 खाते, 4 खाते हैं। हाँ, हाँ? तो ऐसे ही पेट्रोल के। बिल्कुल सही बात है, इसका बात समझिए। खर्च बढ़ा, लेकिन वो खर्च तो कॉरपोरेट के लिए भी बढ़ा था। आपने टैक्स वहां 32% से घटा के 22% कर दिया। 4.5 लाख करोड़ का टैक्स है कॉरपोरेट सेक्टर का। अगर इस देश में महंगाई बढ़ रही थी, मैंने 2 रोटी की जगह 4 खानी शुरू की, तो कॉरपोरेट ने भी तो अपनी कमाई बढ़ाई, उनका टैक्स घटाया क्यों गया? और अगर उनका टैक्स घटा करके 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस देश के किसान को नहीं, पूरे देश को हुआ। 3.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया अपने कॉरपोरेट सेक्टर को। कभी आपने देखा कॉरपोरेट सेक्टर जंतर मंतर आया था? अगर बिना जंतर मंतर आए उनका टैक्स घट सकता है, तो जंतर मंतर आने के बाद भी मुझ पे आग के गोले क्यों बरस रहे हैं? हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है आपकी जमीन पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप सरकार को क्यों रोक रहे हैं, किसानों को क्यों रोक रहे हैं? देखिए, इस देश में जो किसान आज धरने पर बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो देश की राजनीति है वो अनाज नीति पे डिपेंड करती है। जब तक देश में अनाज है तब तक राजनीति चलती रहेगी, और ये किसान लगातार अपनी मांगे उठाते रहेंगे। कुछ और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इस यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका जो संचालन कर रहे हैं उनके रूम में एक अध्यक्ष हैं, मेरे साथ उनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी राम राम। राम राम जी, क्या हाल चाल? बढ़िया जी, मस्त एकदम, सब मस्त। अगर मस्त है तो फिर धरने पर क्यों बैठे? अरे मस्त सरकार ने बैठा रखे भाई, मस्त आदमी धरने पर क्यों बैठा? नहीं नहीं, मस्त मस्त हम इस तरह के, हम समाज की सेवा में है। अच्छा, समाज की सेवा जो है वो हमारे लिए मस्ती का एक मामला है भाई। अच्छा, समाज की सेवा हो रही बढ़िया। बाबा जी ये बताओ, ये राजनीति अब अनाज नीति पे भारी पड़ गई है जो किसान धरने पर आ गए हैं? हाँ, अनाज नीति हो चाहे बिना अनाज नीति हो, सरकार की हठधर्मी है। हठधर्मी के कारण ही आज सड़कों पर आना पड़ रहा, किसान के साथ में अन्याय हो रहा। अन्याय इसी सरकार में हो गया, पहले भी सरकार पर बहुत सी आ चुकी, 70-75 साल तक सरकार रही, पर ऐसा अन्याय किसी ने नहीं किया। आज किसान सड़कों पाने पर मजबूर है। 13 महीने तक आंदोलन किसान ने चलाया, सरकार ने मानी, थोड़े दिन बाद में उससे मुकर के आज फिर वही 2-12 रुपया अपना जा रहा। किसान तंग आ रहा, और तंग आने का क्या कर जा, जंग करी जा। जो किसान जंग की तैयारी में है वो आपके सामने नजारा है भी, शंभू बॉर्डर का। शंभू बॉर्डर पर पंजाब का किसान मौजूद है, कल पंचायत है मासिक। अगर मासिक पंचायत में कोई निर्णय इस तरह का लिया गया कि पंजाब के भाइयों के साथ में उनकी तरफ को कूच किया जाए, ये तो जो मासिक पंचायत आप बताए, कल सिसोली में है ना? कल सिसोली में है, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये जो आप आज धरना यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये भारत बंद, जो ग्रामीण भारत बंद है, ये यहाँ धरना कब तक रहेगा भाई? ये तो जो आदेश हाईकमान का आ रहा उसी के आधार पर जितना समय दिया गया उसने ही समय पर उठा लिया जाएगा। ठीक है, देखिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अगर बात की जाए, यहाँ पर बहुत से किसान मौजूद है, वहाँ पर लाठें भी बरसाई जा रही हैं, पुलिस भी पीड़ित हो रही है और किसान भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है और आपस में भिड़ गए हैं पुलिस और किसान। एक तरफ तो किसान बोलते हैं कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे ही घर के नौजवान फौज में भर्ती हुए हैं और वही लाठें भी खाने को तैयार है, और उधर से अगर बात की जाए किसानों की मांग पूरी ना होने पर सरकार सुन नहीं रही है और किसान पथराव के लिए मजबूर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए। 6 घंटे की चली कल वार्तालाप में, किसानों के बीच जो वार्तालाप हुई उसमें भी समाधान नहीं निकल पाया, रविवार का समय रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या रविवार को भी किसानों के बीच और सरकार के बीच जो ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर के समझौता होता है या नहीं, या फिर ये किसान लगातार ऐसे धरने पर रहेंगे। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।